हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। बच्चों, आज हम क्लास 4 इंग्लिश मैरी गोल्ड यूनिट 1 नेहा इज अलार्म क्लॉक का इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर चुके हैं इस पूरे चैप्टर का, और इसमें सिर्फ कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीडिंग इज फन। तो आंसर है ओके, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड नेहा इज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? फर्स्ट ए ऑप्शन है 4 o'clock, बी ऑप्शन है 9 o'clock, सी ऑप्शन है 6 o'clock। तो जो नेहा की जो घड़ी थी वो प्रत्येक सुबह कब बजती थी, कितने टाइम बजती थी, तो हम लोग पूरे चैप्टर में कर चुके हैं। तो वो सुबह 6 बजे डेली वो रिंग करती थी, तो ये 6 o'clock होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बर्ड से? वो चिड़िया क्या बोलती थी, क्या बोली उसको, लड़की को, नेहा को क्या बोलती थी? वेकअप, जग जाओ, वेकअप बोलती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे? तो आपको अगर आपकी घड़ी नहीं रहे तो आपको सेम टाइम कौन प्रत्येक दिन जगाएगा? तो हमें हमारी बॉडी क्लॉक, आवर बॉडी क्लॉक ही हमको डेली जगाएगा। ओके, राइट आंसर आवर बॉडी क्लॉक। सेकेंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें जो लेटर हैं वो राइट ऑर्डर में लिखना है, इसको डन करना है। तो ये देखिए, ये स्माइल, ये आई एल ई एस एम, इसका क्या राइट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे लेटर? एस एम आई एल ई, स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कुराना। सेकेंड है एम आर ए एल ए, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा अलार्म, अलार्म। सबसे फर्स्ट लेटर ए होगा, ए एल ए आर एम, अलार्म। और सेकेंड ये एक क्लॉक होगा, सी एल ओ सी के, क्लॉक। और ये नेक्स्ट है, ये रहेगा आपका मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग। नेक्स्ट है, ये क्या होने वाला है? स्नोर्ड, स्नोर्ड मीन्स क्या होता है? खराटे लेना। तो इसका पहले फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर है यस, तो यस से स्टार्ट होएगा, यस, फिर एन ओ आर ई डी, स्नोर्ड मीन्स खराटे लेना। ये लास्ट वर्ड है विंडो, विंडो है, तो डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू, विंडो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, लेटस लिसन एंड टॉक, सुनना और बोलना क्या है? लिसन टू द साउंड अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल, डिस्कस विथ योर फ्रेंड द साउंड दैट यू हर्ड, लिस्ट देम हियर। ये बोल रहा है कि जब आप स्कूल जाते हैं तो कैसे कैसे कैसी आवाज़ आप सुनते हैं, आपको कैसे कैसे साउंड सुनाई देता है, तो आपस में डिस्कस करना है फ्रेंड के साथ, और यहाँ पे
लिखना है, तो इसको तो मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ तो आपको बता देती हूँ। तो ये रहा फर्स्ट है, ये कार का पिक्चर दिया है, साउंड यू हर्ड, ये आपने, आपको क्या फील होता, आपकी कैसी कैसी आवाज़ आपको सुनाई देती है। और ये सेकंड में है, यहाँ पे अपने आपके फ्रेंड, आपको फ्रेंड की कैसी कैसी आवाज़ उनको सुनाई देती है वो यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट अपना पल लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये कार है, साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, ये जो ट्रैफिक ट्रैफिक की आवाज़ उसको सुनाई देती है, अपने उस खुद को सुनाई देती है। साउंड ऑफ टॉकिंग, और बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, ये लड़की बात कर रही है। और ये थर्ड है ट्री, साउंड ऑफ कूल विंड, और ये ठंडी ठंडी हवा हवा की आवाज़ भी सुनाई देती है। और ये लास्ट है साउंड ऑफ रिक्शा, रिक्शा की आवाज़ भी सुनाई देती है, वो साउंड उसकी भी सुनाई। साउंड योर फ्रेंड हर्ड, आपके फ्रेंड को कौन सी आवाज़ सुनाई देती है। साउंड ऑफ कन्वर्जेशन विथ फ्रेंड, और ये फ्रेंड फ्रेंड के आपस में बातचीत की आवाज़ सुनाई देती है। साउंड ऑफ शटर ऑफ शॉप इज ओपनिंग, ये शॉप का जब डोर ओपन करते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जगने की आवाज़, जल्दी जगने की आवाज़ सुनाई देती है। और ये मिल्कमैन की आवाज़ सुनाई देती है। और लास्ट है रेडियो, रेडियो की आवाज़ भी सुनाई देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और यदि आपकी घड़ी, अगर आपके घर में आपकी घड़ी नहीं रहे आपको जगाने में के लिए सुबह में, तो क्या आप जगेंगे कि आप फिर कंटिन्यू सोए रहेंगे। तो ये बोलते हैं कि ये अपने से आंसर लिखना है, तो इसका आंसर है कि नहीं, सोए नहीं रहेंगे, नो सोए नहीं रहेंगे। आई विल वेक अप ऑफ द साउंड ऑफ चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बेल ऑफ ए टेम्पल आर ड्यू टू द लाइट आर ब्राइट सन दैट विल बी स्प्रेड इन द माई रूम इन द मॉर्निंग। नहीं, हम सोए नहीं रहेंगे, क्या करेंगे हम, आई विल वेक अप द साउंड ऑफ ए बर्ड, चिड़ियों की चहचहाट से की आवाज़ से हम जग जाएंगे, और ये मंदिरों में घंटियों की आवाज़ से जग जाएंगे, और ये सूर्य की गर्मी से, धूप से, गर्माहट से हम जग जाएंगे सुबह में। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये रहा, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। तो अगर आपको सुबह, क्या आपको अलग अलग रास्ते समझ में आते हैं कि कैसे कैसे आप सुबह को कैसे किस किस तरह आप कैसे जानेंगे कि सुबह हो गई। तो इसको हम कई प्रकार से जान सकते हैं कैसे सुबह हो गई। एग्जांपल में दिया है, लिसन टू द रेडियो, रेडियो को सुनकर हम दिन का पता कर सकते हैं। आस्किंग समवन हु नो, एक दूसरे से बात करके हम समझ सकते हैं। बाई जज द इंटेंसिटी ए सनलाइट, एवं सूर्य के प्रकाश से भी हम दिन का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग, ये वर्ड बिल्डिंग में क्या है, आंसर दिया है क्वेश्चन है पहले। वर्ड बिल्डिंग में फाइंड द हिडन वर्ड्स, तो एक येलो कलर का जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में लिखा है मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंगरी एंड संडे। तो ये सारे हैं, तो इसको हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इसमें आपको एक ढूंढ के एक वर्ड बनाने हैं, लेटर से, जो लेटर दिए हुए हैं लेटर से वर्ड बनाने हैं। तो फर्स्ट है, एक तो आपको बनेगा, एक मिनट, आपको पूरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो पहले पूरी स्क्रीन दिखाई दे, राइट,
अभी आपको पूरी दिखाई देगी। तो ये वर्ड बिल्डिंग में है मदर, मदर आपका कहाँ पे है, मदर को ढूंढना है। तो मदर, तो मदर दिया हुआ है फर्स्ट, देखिए ये मदर है। और सेकंड लेटरों से एक वर्ड बनाना है, ये नेक्स्ट है हंगरी, ये हंगरी, ये देखिए हंगरी, एच यू एन जी आर वाई, ये रहा हंगरी, ये हंगरी बनेगा एक वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड बनेगा ये मॉर्निंग, एक वर्ड ये बनेगा। और एक क्वेश्चन आपका बनेगा, एक क्लॉक बनेगा आपका, एक क्लॉक दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका क्लॉक बनेगा, सी एल ओ सी के। और ये नेक्स्ट है, और एक संडे बनेगा, ये है आपका एस यू एन डी ए वाई संडे। और नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी आपका ये रहा आपका एच ए डबल पी वाई हैप्पी, ये आपका हैप्पी है, यहाँ पे ये आपका हैप्पी हो जाएगा, राइट। और एक अलार्म है, तो अलार्म किधर बनेगा आपका, कितने कौन सा मदर हो गए, बर्ड्स, तो बर्ड्स, बर्ड्स आपका सबसे टॉप पे है, बर्ड्स मदर हो गए कंप्लीट, बर्ड्स क्लॉक अलार्म, अलार्म आपका हो जाएगा, अलार्म हैप्पी हो गया कंप्लीट, आपका हैप्पी हो गया, मॉर्निंग हो गया, संडे हॉलीडे, तो हॉलीडे आपका, हॉलीडे आपका आपका तो लगभग सब कंप्लीट ही हो चुका है। तो आपके एक कंप्लीट हो गए, फर्स्ट हंगरी, सेकंड बर्ड, ए फोर्थ क्लॉक, फिफ्थ मदर, ए हॉलीडे, ए संडे, और अलार्म, और एंड हैप्पी एंड मॉर्निंग, सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके 9 पूरे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सेल आउट करना है। ये राइमिंग्स वर्ड्स हैं, आउट आउट बाउट एंड आउट बॉट आउट बॉट एंड कॉट, मैटर चैटर एंड सैटर, ये राइमिंग्स वर्ड हैं, सेम साउंड होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं हिंदी मीनिंग। टिक टॉक, टेल टोल्ड, ट्रेन टाइम, टिक टैक, टिप टीन, टेक टाल, तो ये आपका टिक टिक टेल, ये आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस राइट, हु सेड दीज वर्ड एंड टू होम, इसमें आपके जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स आपको लिखना है, वर्ड्स दिए हैं कुछ सेंटेंस, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, ये किसने कहा है, हु सेड, कौन ये कहता है और किसको कहता है, किससे कहता है, मतलब किससे कहता है और कौन कहता है, ये लिखना है। तो वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, ये कौन बोलता था, ये बर्ड बोलती थी, तो ये बर्ड बोलती है कि जागो जागो प्यारी, जल्दी जाग जाओ, ये बर्ड बोलती है, बी आई आर डी, ये बर्ड्स बोलती हैं। और किसको बोलती हैं, भाई नेहा, नेहा को वो जगाती हैं सुबह सुबह, नेहा। और सेकंड है माँ, हु वोक मी अप टुडे, तो ये माँ, माँ बोले कि आप मुझे आज
आज कौन मुझे जगाया? माँ बोल तो माँ बोलती है किससे? नेहा से। नेहा कौन बोलती है? नेहा बोलती है, ये क्वेश्चन नेहा पूछती है। और किससे कहती है? माँ से कहती है, मदर मदर। व्हाई डू यू स्लीप एट नाइन एवरी नाइट? ये क्वेश्चन पूछती है माँ कि आप डेली 9 बजे क्यों सो जाती हो? तो ये माँ बोलती है, तो ये मदर हो जाएगा। तो किससे बोलती है? नेहा से बोलती है। वो नेहा को बोलती है कि आप डेली 9 बजे क्यों सो जाती हो, 9 o'clock। और सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये हेल्प वाज एंड वेयर का यूज है, इसमें वर्ड्स है, हेल्पिंग वर्ड है। तो इसमें वाज वेयर का यूज है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि जब सिंगुलर रहेगा तो वाज लगेगा, जब प्लूरल्स नाउन रहेंगे तो वेयर लगेंगे, ठीक है? तो राम तो एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वाज लगेगा। तो यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में वाज लिखिएंगे, वाज, और सेकेंड ये प्लूरल है, प्लूरल है रहेगा तो वेयर लगेगा। राइट, माय टॉय ब्रोकन। मेरा टॉय किसने तोड़ा? कौन तोड़ा, कौन तोड़े? तो वेयर, इसमें टॉयज बहुत सारे टॉयज हैं तो वो वेयर लगेगा। नहीं मेरे गुड, हाँ वेयर होगा। हर फ्रॉक टू लॉन्ग। मेरे फ्रॉक भी लंबे हैं तो उसके साथ वाज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। द मार्केट क्लोज, तो ये भी वाज लगेगा, मार्केट बंद था। द चिल्ड्रेन हैप्पी, तो इसके साथ वेयर लगेगा, चिल्ड्रेन बच्चे वेयर, ये हो गया। और एक नेक्स्ट है यफ है जी, तो लास्ट था, इसको हम वेयर लिखेंगे। द फ्लावर्स, ये प्लूरल नाउन है तो इसके लिए आप वेयर यूज करेंगे। राइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलीव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, वी यू नीड दिस वर्ड। इस पिक्चर को देखना है और इसमें कंप्लीट पैराग्राफ करना है। यू विल बी नीड दिस वर्ड, कुछ वर्ड जो नीचे दिए गए हैं इसको देखना है आपको। तो एस्टरडे आई लॉस्ट ए बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरी वेयर। जो इसके वर्ड हैं पुल्ड आउट हैं, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड, अंडर, ये इसके वर्ड हैं। और तो फर्स्ट में क्या होगा, आई लुक्ड ए डोर, ये क्या है, डोर के बिहाइंड पीछे है, तो इसके लिए बिहाइंड का यूज होगा, बिहाइंड बिहाइंड होगा। नेक्स्ट है आई लुक्ड ए कपबोर्ड, तो इसके लिए इनसाइड इनसाइड यूज होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई लुक्ड ए बेड, आई लुक्ड ए बेड, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए अंडर ए बेड। ये क्यों, लड़की कहाँ दिख रही है, अंडर, नीचे, अंडर। आई कुड नॉट फाइंड इट एनी वेयर, देन आई कॉल्ड आउट, क्या कहते हैं शेरू को, क्या कहते हैं,
कॉल्ड कॉल्ड आउट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, शेरू इज माय डॉग कम रनिंग टू मी, आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माय बुक, ही पुल्ड आउट, यहाँ होगा पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माय बैग, वो मेरे बैग को खींच रहा है, डॉगिन बार खींच रहा है बैग से। ये भी कंप्लीट हो गए आपके। और एक क्वेश्चन है, लास्ट है, फन टाइम है। तो आपने घड़ी तो देखा ही होगा, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिव बैग क्लॉक, तो ये क्लॉक से रिलेटिव कुछ वर्ड्स लिखना है। जैसे घड़ी की साउंड होती है टिक टिक, घड़ी की जो घड़ी की साउंड होती है वो टिक टिक करती है आवाज़, तो वहाँ घड़ी की साउंड पूछ रहा है, तो यहाँ टिक टिक मैंने लिख दी है। नेक्स्ट अनदर वर्ड, उसको घड़ी को और क्या बोलते हो आप, वॉच, वॉच भी बोलते हैं इंग्लिश में, वॉच बोलते हैं। एंड क्लॉक को हिंदी में, अपने भाषा में हम घड़ी बोलते हैं। और यहाँ एक पिक्चर आपको ड्रा करना है, आप बना लीजिएगा, राइट। यहाँ एक वॉच का वॉच का पिक्चर बनाना है। और मेक ए सेंटेंस, एक सेंटेंस है कि आई गेट अप हिटिंग द हियरिंग द रिंगिंग ऑन माय अलार्म क्लॉक, तो हम अलार्म घड़ी की आवाज़ सुनते हैं। डायल, सेकेंड नीडल होती है, मिनट्स की नीडल होती है, और एक घंटे की सुई होती है, के अलार्म होता है, अलार्म के अलार्म भी होता है, ये सब उसके फंक्शन है वॉच के, डिफरेंट पार्ट हैं ये, टाइम नेम डिफरेंट पार्ट टाइम है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, मॉर्निंग, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हियर इज ए वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड रिलेटेड टू इट, तो मॉर्निंग में आप कौन शब्द का यूज करते हैं। जैसे सुबह सुबह चमकता है, धूप निकलती है तो पूरा चमक रहती है, फर्स्ट ब्राइट होगा। डाउन, भोर, भोर की आवाज़ होती है, सुबह के नाम पे भोर डाउन भी बोलते हैं। चर्पिंग की आवाज़ सुनते हैं हम, जैसे चिड़िया की चहचहाट। डे लाइट, उजाला, गर्माहट, धूप, सनलाइट, चमकता हुआ, चमकीला। तो ये तो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एजुकेशन इज माय फ्यूचर माय चैनल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर मेरी वीडियो पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।